दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करीब 56% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है। तो बात ये आता है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसी विटामिन है जो कि हमारा शरीर नाम की इंजन को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ऐसा भी नहीं है, जो लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी है वो पूरा करना नहीं चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे कोई भी विटामिन की डिफिशियंसी ना हो और हम हेल्दी लाइफ जीते रहे। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर विटामिन की डिफिशियंसी हुई है या तो हो रही है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझे और जाने कि इसके ऐसा कौन सा सिम्टम है जिसे हमें पता चल सकता है कि हमें भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी या कमी हुई है। हाय दोस्तों, मेरा नाम शुभंकर और आप देख रहे हैं आपकी अपना यूट्यूब चैनल सुबो हेल्थ केयर, जहां से आप हमेशा पाते हैं हेल्थ से जुड़ी मेडिसिन के बारे में सटीक और संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे विटामिन B12 की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। इस वीडियो में बताएंगे कि आपको ऐसा कौन सा खास सिम्टम के बारे में ध्यान देना है जिसे आपको पता चल सके कि आपके अंदर भी इस महत्वपूर्ण विटामिन B12 की कमी हो रही है। इस वीडियो में बताएंगे विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए बेहद सस्ती और असरकारी 5 ऐसी दवाई के बारे में जो मार्केट में आपको 50 रुपये के अंदर बहुत आसानी से मिल जाती है। इसी के साथ बताएंगे अगर आप दवाई नहीं लेना चाहते हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो मुख्य तौर पे ऐसी कौन सी फूड है वो जिसे आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है ताकि आपके विटामिन B12 की कमी पूरा हो सके, क्योंकि ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों में ही विटामिन B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड वीडियो को और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। दोस्तों, विटामिन B12 हमारा शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। ये एक ऐसी विटामिन है जिसकी जरूरत पड़ती है शरीर की सभी इसेंशियल वर्क को अंजाम देने के लिए। सबसे पहले आता है DNA। DNA सिंथेसिस के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर में DNA को बनना, जिसके लिए विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, यानी हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी विटामिन B12 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट की बात करें तो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी की जो नसें होती है उसकी प्रॉपर तरीका से फंक्शन के लिए भी विटामिन B12 बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में अगर आपके अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम है जो हमारे शरीर के अंदर देखने को मिल सकती है। उनमें से सबसे कॉमन है वीकनेस, यानी थकान। अगर आपके शरीर में भी विटामिन B12 की कमी हुई है तो शरीर हमेशा थका थका लगता है, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। थोड़ा बहुत चलने से ही थकान लग जाता है और चक्कर आने लगता है। इसके अलावा मुंह में छाला हो जाना, यानी जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है उन लोगों की मुंह में बार बार छाला हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा पेन होती है और जिस वजह से आपको खाना खाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जब तक विटामिन B12 की कमी शरीर में पूरा नहीं हो जाती है तब तक ये बार बार होने लगती है। नेक्स्ट की बात करें तो शरीर में खून बनने में भी मदद मिलती है, यानी हमारे शरीर में खून बनने के लिए भी विटामिन B12 बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो शरीर में खून की कमी होना भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पीली पीली दिखने लग जाती है। कोई भी इंसान दूर से ही आपको बोल सकता है कि आपके अंदर खून की कमी हुई है। इसके अलावा पेट में गड़बड़ी की शिकायत होते भी देखा जाता है। विटामिन B12 की कमी से आपके पेट में गैस और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। कई बार पेट फूलना, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसे समस्या भी हो सकती है, यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 कमी के एक और महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें आपके हाथ और पैर की जो तलवा है उसमें जलन, दर्द, झंझनाहट, चेटी रेंगने जैसे महसूस, हाथ और पैर की तलवा में पसीना आना, ये एक बहुत ही कॉमन और क्लियर सिम्टम है विटामिन B12 की कमी के। इसके अलावा हमेशा सिर में दर्द, सिर में भारीपन, चिड़चिड़ापन,
और डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। मेमोरी लॉस होने जैसे समस्या यानी कोई चीज रख के बार बार भूल जाने जैसे समस्या भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम है दोस्तों जो कि आपको विटामिन B12 की कमी से दिखाई दे सकती है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसे कोई भी सिम्टम दिखाई दे रही है तो तुरंत विटामिन B12 की जो चेकअप है उसे करवाए और कन्फर्म करें कि आप भी विटामिन B12 की कमी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। चलिए आप देख लेते हैं कौन सी है वो 5 बेहद सस्ती और असरकारी दवाई जिसे लेके आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक नंबर की दवाई है न्यूरोबियन फोर्ट, जो 30 टैबलेट की पैकिंग आपको 38 रुपया के आसपास केमिस्ट के पास मिल जाती है, जिसका एक टैबलेट दिन में एक बार लेके भी आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। दो नंबर में आता है बिकासुल, जिसमें विटामिन B12 पाई जाती है, जिसका एक कैप्सूल आप दिन में एक बार लेके भी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिसका मार्केट प्राइस 20 कैप्सूल 55 रुपये के आसपास केमिस्ट के पास मिल जाती है। तीन नंबर में आता है कोबाडेक्स, जो फेमस कंपनी ग्लाक्सो द्वारा बनाई जाती है, जिसमें भी विटामिन B12 पाई जाती है, जिसका 15 कैप्सूल का पैकिंग आपको 30 रुपये के आसपास केमिस्ट के पास मिल जाती है। चार नंबर की दवाई है बिकोजाइम C4, जो 10 टैबलेट की पैकिंग आपको 30 रुपये में केमिस्ट के पास मिल जाती है, जिसमें भी विटामिन B12 पाई जाती है, जिसका एक टैबलेट आप दिन में एक बार लेके भी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। लास्ट और पांच नंबर की दवाई है सुपराडिन, जो 15 टैबलेट की पैकिंग केमिस्ट के पास 60 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसका एक टैबलेट आप दिन में एक बार लेके भी विटामिन B12 की कमी को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये जो सभी दवाई के बारे में मैंने जानकारी दिया हूँ, अगर आप औसतन प्राइस देखेंगे तो एक टैबलेट 1 रुपया से भी कम दामों में मिल जाती है। आप देख लेते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं और दवाई नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी फूड है जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन B12 एक ऐसी विटामिन है जो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन में ही पाए जाते हैं। कुछ चुनिंदा वेजिटेबल है जिसमें विटामिन B12 पाई जाती है, इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर विटामिन B12 कम होने की चांस बहुत ही कम है, क्योंकि आप विटामिन B12 की अच्छी सोर्स ले रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ ऐसे चीज़ है जिसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें या आपके डाइट में शामिल करें, ताकि विटामिन B12 आपके शरीर में पूरा होते रहे। दोस्तों आप वीडियो देख ही रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो फूड आइटम जिसमें विटामिन B12 की अच्छी सोर्स है, जिसे हम विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सके। दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके विटामिन B12 को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट और स्वादिष्ट है दूध। दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप दूध का सेवन नहीं कर रहे हैं तो 100% गारंटी है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है। दूध के अंदर बहुत ही अच्छा क्वांटिटी में विटामिन B12 होती है कि अगर आप एक गिलास दूध लेते हैं तो एक दिन में आपको जितना विटामिन B12 की ज़रूरत होती है उसकी 50-60% पूरा हो जाती है। बाकी बचे 50-60% आप दूध से बनी हुई चीज़ जैसे दही, पनीर, चीज, इसे भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दूध से जो भी चीज़ बनती है उसमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन B12 पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं, यानी आजकल बहुत लोग ऐसा है जो एक खाना शुरू कर दिया है, एक अंडे में 0.6 mcg यानी माइक्रोग्राम विटामिन B12 होती है, यानी आपके डेली रिक्वायरमेंट का करीब 25-30% पूरा हो सकता है। तो अगर आप डेली 2-3 अंडा खाते हैं तो विटामिन B12 का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपका पूरा हो सकता है। अंडा खाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें, अंडे के अंदर जो येलो हिस्सा है उसमें विटामिन B12 ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए पूरे अंडे को खाएं। इसके अलावा पालक भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है। हफ्ते में 2-3 दिन पालक का भी सेवन कर सकते हैं। पालक के सब्जी बनाने से पहले आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें,
पालक को सबसे पहले आप अच्छी तरह से धो ले, उसके बाद काट के सब्जी बनाए। पालक को आप काटने के बाद ना धोए। ऐसा करने से पालक में जो विटामिन B12 होते हैं वो पानी के साथ निकल जाता है, फिर आपको विटामिन B12 का अच्छा सोर्स नहीं मिल पाता है। इसके अलावा चुकंदर, विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप चुकंदर को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गाजर। आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए गाजर का भी यूज कर सकते हैं। गाजर में भी विटामिन B12 के अच्छा सोर्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था विटामिन B12 के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, प्यारा सा कमेंट करना। यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन हर रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर स्टिल वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।